गुड मॉर्निंग। आज थर्सडे एक्टिविटी में हम लोग प्रोजेक्ट बुक के अंदर करने वाले हैं वर्क। टॉपिक है क्रिएटिव कैनवस। पेज नंबर है 9। इसमें हमको क्या क्या चाहिए? पुराने वेडिंग कार्ड्स हमारे पास, कोई विजिटिंग कार्ड्स हो या ग्रीटिंग कार्ड्स, ग्लू स्टिक चाहिए और चाइल्ड फ्रेंडली सीजर चाहिए जो आप लोगों को, पेरेंट्स को यूज करनी है। आप लोगों को क्या करना है, कोई भी जो ओल्ड वेडिंग कार्ड्स या विजिटिंग कार्ड्स या ग्रीटिंग कार्ड्स हो उनकी प्लेन साइड लेनी है और उसमें से हमको शेप्स कट करने, सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सेमी सर्कल, ओवल, ऐसे अलग 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 शेप्स हमको उसमें से कट करने हैं। आप लोग पहले ड्रॉ कर सकते हैं शेप उसके ऊपर, और ड्रॉ करके फिर उसको कट करना है। फिर उन शेप कटआउट्स को हमको क्या करना है, अलग एक टेबल पे ले जाकर के सारे कटआउट्स को हमको अलग अलग रख देना है। फिर हम लोग बच्चे से पूछेंगे कि ये कौन कौन से शेप्स हैं। बच्चा पहले वो शेप रिकॉग्नाइज करेगा, इसके बाद उन शेप से उसको कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। जैसे सर्कल है तो सर्कल से वो क्रिएट कर सकता है, सर्कल और स्क्वायर मिला के वो एक गाड़ी बना सकता है, व्हीकल। इस तरह से सेमी सर्कल और ट्राइंगल से वो एक आइसक्रीम कोन बना सकता है। इस तरह से और क्या क्या चीजें बच्चा बना सकता है, आप उसके पास सारे शेप्स रखने हैं। उसको पहले वो ऐसे शेप एक के पास एक रख करके कुछ अलग अलग आइटम्स वो क्रिएट कर सकता है। फ्लावर वास बना सकते हैं, फ्लावर बना सकते हैं, इस तरह से क्या क्या वो उसमें से बना सकता है वो बना करके फिर उसको हमको यहाँ पर पेस्ट करना है। यहाँ पर उसको हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे इस पेज पर। जो भी वो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेगा बच्चा, वो उन शेप्स की हेल्प से वो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे और उसके नीचे उसका नाम लिखेंगे कि वो क्या बनाया है उसने। ओके,